अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज बुष्टा राजपूत और आज मैं आपको सिखा रही हूँ मेरी मोस्ट फेमस रेसिपी ऑफ फजी फ्लेकी ब्राउनीज वो भी अवन के बगैर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर कर रही हूँ इसके बाद तो आप ब्राउनी मास्टर बन ही जाएंगे लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं पेन साइज की क्वेरी पे ये सेवन इंटू सेवन का पेन है स्क्वायर आप चाहें आप एट बाई एट तक का साइज भी ले सकते हैं कोई भी अवन प्रूफ कोई भी पायरेक्स की डिश ले सकते हैं मैं उसको लगा रही हूँ ऑयल आप हाथ से लगा लें मेरे सामने ब्रश रखा था तो मैं थोड़ी सी फैंसी हो गई <laughs> ब्रश से मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया था मैंने ले लिया है एक बटर पेपर बटर पेपर को आप इस तरीके से लगाएंगे स्क्वायर में मुझे पता है पेन में मुश्किल होती है लेकिन आपको सेंटर में जोर से पुश करना होता है उस पेपर को प्रेस करोगे तो पूरी सेटिंग हो जाएगी देखो किस तरीके से ये सेट हो गया है ठीक है वापस मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अपने पैन को आप बटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन बटर ज़ाया नहीं करो ऑयल भी वही रिज़ल्ट देगा हमारा पैन हो चुका है बिल्कुल तैयार अब इसको साइड पे करते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड चीज़ के मैं ग्रामेज में सारी रेसिपी सिखा दूं तो मैंने वेंग्स के आप लोगों के लिए निकाल लिया था अब मैं आपको सारी चीज़ें कप से भी बताऊंगी और ग्राम से भी ये है आधा कप मैदा विच इज़ ऑल पर्पज़ फ्लार एट्टी फोर ग्राम्स इसका वेट बना है ठीक है कप में लेंगे तो आधा कप हाफ कप और ग्राम्स में लेंगे तो एट्टी फोर ग्राम्स ठीक है अब हम आ जाते हैं ऑयल पे ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो लेंगे आधा कप मतलब हाफ कप और अगर ग्राम्स में लेंगे तो लेंगे एक सौ आठ ग्राम्स वन हंड्रेड एंड एट ग्राम्स अब हम आ जाते हैं चीनी पे ये मेरे पास कैस्टर शुगर थी आप किसी भी, भी ले सकते हैं ये अगर आप कप्स में लेंगे तो एक कप वरना दो सौ सो, सोलह ग्राम मतलब टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन ग्राम्स अब हम आ जाते हैं कोको पाउडर पे ये देंगे फोर्टी नाइन ग्राम्स वन थर्ड कप है ठीक है ये सब हो गया उसके बाद मैं आपको दिखाऊं ये ऑप्शनल स्टेप है मैंने एक टेबलस्पून कॉफी को दो से तीन टेबलस्पून पानी में डिजोल्व कर लिया था आप दूध में भी कर सकते हैं अगर कॉफी का फ्लेवर पसंद है तो डालें मेरी फैमिली को पसंद है इसलिए मैंने दो टेबल ये लिक्विड बना के रखा था थर्टी फोर ग्राम्स चले जी सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी प्रेप होती है जो हम करके रखते हैं ड्राई इंग्रीडियंट्स को मैं मिक्स कर लूंगी मैंने लिया हुआ है आधा कप मैदा ग्राम्स आपको मैं पहले बता चुकी हूँ वन थर्ड कप लिया हुआ है कोको पाउडर अब इसमें चला जाएगा थोड़ा सा नमक ठीक है नमक आप डालना मत भूलिएगा बिल्कुल तीन चार पेंच डालेंगे उससे क्या होता है आपका ये बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा चीनी को हर चीज को बहुत बैलेंस कर देगा हैंडविस्ट क्लोस को मिक्स कर दो कहीं पे भी कोको पाउडर के लम्ब दिख रहे हैं उसको तोड़ो मिक्स कर दो ये स्टेप करके आप रख लोगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी अब आपने क्या करना है इस स्टेज पे आप अगर चाहें आपके ब्राउनीज केकी बने केक के टेक्सचर के हों फूले फूले तो आप बेकिंग पाउडर इसमें वन टीस्पून के करीब डाल सकते हैं मुझे केक ही नहीं चाहिए मुझे फजी चाहिए तो मैं बेकिंग पाउडर स्किप कर दूंगी आप ड्राई फ्रूट्स भी इसी स्टेज पर कोट करेंगे ठीक है अपने ड्राई मिक्स में अब मैं आपको दिखाती हूँ दो अंडे लिए हैं मैंने उनको तोड़ लिया था और रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए छोड़ दिया था ये फ्रिज से निकाले मैं ठंडे अंडे यूज नहीं करेंगे अब आपको एगलेस ब्राउनीज चाहिए तो आप क्या करेंगे दो अंडों की जगह आधा कप दही डाल देंगे ठीक है आपके हो जाएंगे एगलेस ब्राउनीज आ जाते हैं हम प्री हीट करने के टाइम पे स्टोव बेकिंग के लिए देखें ये मैक्स है मतलब मेरी फुल आंच हुई भी अब फुल आंच से थोड़ा सा ऊपर गए मीडियम पे तो मैंने अपना पॉट जो है वो गर्म होने रख दिया है स्टोव बेकिंग मैं बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं तो आपको आराम से स्टोव बेकिंग की डेप्थ में जाके टिप्स मिलेंगी। मैंने कोई अलग से स्टैंड नहीं रखा था मेरे पास जो स्टोव स्टैंड था होल्डर जो होते हैं स्टोव होल्डर वो ही अंदर रख दिया था और बीस मिनट के लिए प्री हीट होने रख दिया था अवन के टाइमिंग्स में यहाँ पे साथ साथ मैंशन कर रही हूँ जिसको अवन की बेकिंग करनी है आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे सारे हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू करेंगे देखें मुझसे लोग पूछते हैं कि आप पहले क्या मिक्स करती हैं मेरे सामने जो भी तीन चीज़ें मिक्स होने वाली होती हैं ना मैं कर देती हूँ चीनी और ऑयल को भी कभी मैं बीट कर लेती हूँ कभी कभार मैं ऑयल और अंडों को भी बीट कर लेती हूँ कभी कभार मैं अंडों और चीनों को चीनों नहीं <laughs> चीनी को भी बीट कर लेती हूँ आपको बस तीनों चीज़ों को बीट करना है और फ्लफी सा मिक्सचर बनाना है ठीक है यहाँ पे मैंने ऑयल और चीनी को बीट कर लिया थोड़ा सा और उसके बाद मैंने अंडों को बीट किया तकरीबन डेढ़ मिनट मैंने काउंट भी करके रख लिया था नोट किया था टाइम डेढ़ मिनट था डेढ़ मिनट में अंडों ने अपना कलर चेंज कर दिया था और ये फ्लफी हो गए थे साइज में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था बेटर मेरा बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से, से मैं बीट कर रही हूँ आप आप हैंडव यूज़ कर सकते हैं सेम रिजल्ट आएगा ओवर बीटिंग मत कीजिएगा बार बार मैं बता रही हूँ ओवर बीटिंग कैसी होती है फ्लफ़ी करने के चक्कर में हम उसको डब को डबल की जगह ट्रिपल पे ले जाते हैं ना फिर ये ओवर बीटिंग हो जाती है तभी आपका जो ब्राउनी है वो फटा -फटा सा और प्रॉपर केक की शक्ल इख्तियार कर लेता है बस इसमें चला गया वेनेला एसेंस हाफ टी स्पून वेला ऐसे स्किप मत करना एग की स्मेल जो आती है वो फिर ड्राई जाती है अब मैं डाल रही हूँ कॉफी मिक्सचर ये बिल्कुल ऑप्शनल है कॉफ़ी की खुशबू पसंद है अरोमा पसंद है फ्लेवर पसंद है तो ही डालिएगा मैंने मिक्स किया और बस साइड पे कर दिया वापस वेइंग स्केल निकाला मुझे डालनी है इसमें हाफ कप कुकिंग चॉकलेट आप न्यूटेला डाल सकते हैं आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड डाल सकते हैं मेरे पास कुकिंग चॉकलेट रखी हुई थी मैंने वो यूज की है हाफ कप मेजर कर रही हूँ मिल्क चॉकलेट है और अगर मैं ग्राम्स में बताऊं तो एक ग्राम है ठीक है एक ग्राम वन हंड्रेड एंड एलेवन ग्राम आधा कप डाल रही हूँ मैं कुकिंग चॉकलेट या आप न्योटेला यूज करें कुछ भी करें डेरी मिल्क मत यूज किया करें वो इतनी मीठी होती है कि आपके ब्राउनीज़ जो है वो थोड़े से ज्यादा मीठे हो जाते हैं इतना मिक्स कर रही हूँ मैं इसको वापस कि मुझे कहीं पे भी अंडे का मिक्सचर ना दिखे ठीक है अब मुझे हर जगह चॉकलेट दिख रही है मैं ओवरबीट नहीं कर रही मैंने वापस हाथ रोक दिया ड्राई इंग्रीडियंट्स को इसमें डाल दिया आप कोई वुडन स्पून ले सकते हैं मेरे पास स्पेचुला था तो मैं स्पेचुला यूज कर रही हूँ कितना मिक्स करूंगी मुझे कोई भी ड्राई मिक्स ऊपर ना दिखे ये जो मैदा और कोको पाउडर अलग अलग दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए बस ओवर बीटिंग ये नहीं होती ओवर बीटिंग क्या हो जाएगी मिक्स हो गया मैं बार बार चेक करूं बार बार चेक करूँ ठीक है सब मिक्स हो गया मैंने अपना पैन निकाला जिसको हमने

मैंने 10 से 12 बार इसको अच्छे से टाइप किया था सारे एयर पॉकेट्स निकाल दिए थे कहीं से भी केकी बनने ही नहीं दूंगी मैं <laughs> मैंने बस ये सोच लिया था कि नहीं बनने दे रहे बाकी मेरे पास थोड़ा सा बैटर बच गया था मैंने जानबूझ के बचाया था मेरे पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था उसमें मैंने बटर पेपर लगाया और इसको भी मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी ये मैं आपको अवन में बेक करके दिखाऊंगी मैं एक ही रेसिपी को थोड़ा सा बचा के अवन में बेक कर रही हूँ और बाकी जो है वो स्टोव बेकिंग के लिए तैयार है बिल्कुल थोड़ा सा बचाया है बैटर मैंने आप लोग पूरा ही डालिएगा जिसको स्टोव बेकिंग करनी है वो स्टोव बेकिंग करे जिसको अवन बेकिंग करनी है वो अवन बेकिंग करे मैंने एक एक चीज जो है बिल्कुल गहराई में जाके सिखा दी है चलें भाई मेरा जो है वो प्री हीट हो चुका है पॉट मैंने उसको बेक करने के लिए रख दिया है एग्जैक्ट थर्टी मिनट्स बाद मैं चेक करूंगी ठीक है फ्लेम मेरा जितना मीडियम था उससे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया और मैं थर्टी मिनट्स बाद आपको मिलती हूँ हो गए जी थर्टी मिनट्स मैंने इसको एक बार पहले ही खोल के देखा हुआ था के हुआ है कि नहीं लेकिन वो हो चुका था एग्जैक्ट थर्टी मिनट्स में मीडियम लो फ्लेम पे मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ ब्राउनीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका स्क्यूवर जो है या आप जिससे चेक कर रहे हो पेन से वो बिल्कुल क्लीन निकले थोड़ा सा बेटर लगा हुआ हो ना तो वो आपको करेक्ट फज देता है मेरे ब्राउनीज़ थर्टी मिनट्स में बिल्कुल डन थे मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ आप इसकी खूबसूरती देखें इसके फ्लेक्स देखें ये देखें आप शाइन ठीक है ये हालांकि मैं रात में बेक कर रही थी इतनी लाइटिंग भी नहीं थी कि ये इतना ओवर शाइन करे ये सिर्फ इसकी फ़्लेक्स की वजह से इसका शाइन आ रहा है ठीक है ये देखें साफ़ सुथरा बिल्कुल डन हो गया है साथ में मैं अपने अवन के ब्राउनीज़ भी निकाल के आ गई थी वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक हुए थे मैं अवन टाइमिंग्स प्री हीटिंग की मेंशन कर दूंगी ये देखें ये है मेरे अवन के ब्राउनीज़ अब आप मुझे बताएं स्टोव बेकिंग में और एवन बेकिंग में क्या फ़र्क है मैंने कहा था ना एक ही रेसिपी है उससे आप दोनों जगह पर आराम से बना सकते हैं खूबसूरत तरीन माशाल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं आपका हाथ अब सेट हो जाना चाहिए इस रेसिपी पे। अब मैंने क्या करा है इसको तीन घंटे स्ट्रेट छोड़ दिया है लोगों की कटिंग में जो मिस्टेक आती है सब कहते हैं कि हमारे ब्राउनी क्लीन नहीं कटते और ब्राउनी हार्ड हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप उसको ठंडा नहीं करते मैंने तीन घंटे स्ट्रेट ब्राउनी इसको छोड़ दिया था ये ठंडे हो चुके थे अब क्या करना है आपको इसको जितने पीस आपको कट करने आप करेंगे ये देखें कितना खूबसूरत कट रहा है कहीं पे भी कोई कचरा नहीं है कोई एक्स्ट्रा ब्राउनी का बैटर नहीं बचा हुआ दिखेगा आपको आप चाहें आप प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल नाइफ आती है उससे भी काट सकते हैं उससे और क्लीन कटेगा लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत था जो जो ब्राउनी का बैटर है ना साइड पर खोलने से हट रहा है वो मैं खा रही थी क्योंकि मुझसे तो रजस्ट नहीं होता इवन मेरे घर वालों से भी नहीं होता माशाल्लाह से मैं बना के रखती हूँ और उसी दिन ही ये सारे बड़े बड़े बैच ख़त्म हो जाते हैं मैं आपको प्लास्टिक नाइफ़ भी यूज़ करके दिखा दी मैंने आपको बड़ी नाइफ वाला भी यूज़ करके दिखा दिया है और ये देखें माशा सारा फज आपको दिख रहा है ये देखें कहीं से भी केक ही नहीं है ऊपर आपको फ्लेक्स दिख गए होंगे ये जो था वो अवन की बेकिंग का था अब मैं आपको स्टोव की बेकिंग दिखाती दी हूँ नाइफ मेरी सब क्लीन है ये देखें सिर्फ आप फेखें ये स्टोव बेकिंग का रिजल्ट है जबरदस्त बस की क्या है आपको जो है कुछ भी करके इसको ठंडा होने रखना है चाहे ओवरनाइट रखना हो आप ओवर रख दें ये ब्राउनीज दो दिन तक तीन दिन तक एयर टाइट बॉक्स में रूम टेम्परेचर पे फ्रिज भी नहीं रूम टेम्परेचर पे रखेंगे इनको कुछ नहीं होना है अब आप जरूर बनाइएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जब भी बनाए परफेक्ट रिजल्ट ही आएंगे और नहीं आते तो कोई बात नहीं एक दो तीन ट्राई चलने दीजिएगा जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने आई वेट फॉर योर फीडबैक अल्लाह हाफिज़